गुरुग्राम में जो ये मसला हो गया है जिसके अंदर क्रिकेट को लेके ये कई बच्चों ने या कई लोगों ने जाके अंदर जाके हमला किया उसके अंदर कोई फ़ैमिलीज़ थी कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी की और वो उसके अंदर उस बात में झड़प हो गई एक छोटी सी बात को लेके क्रिकेट को लेके जिसकी वजह से ये जो माहौल है वहाँ माहौल अपना गुरुग्राम का और हमारे देश का ख़राब हो रहा है ख़राब हो गया और ख़राब होने होने की पूरी संभावना है हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है और अगर कोई ऐसी बात हिंदू मुस्लिम की बात आती है अभी हिंदू मुसलमान खेल रहे थे और हिंदू नहीं बोल रहे ऐसी कोई बात नहीं है बड़ा छोटा सा मसला है हमारा देश एक है इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शुरू से मिल के यहाँ रहते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का जो इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं अपने अपना खून दिया है और खून से ये हमको आज़ादी मिली है उन्नीस में तो ये सबका उसमें योगदान है इसमें कोई अलग नहीं है तो ये जो गेंद को लेके या क्रिकेट को लेके जो ये आपस में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या झगड़ा हुआ है या मारा मारी हुई है और भाई हम पर्टिकुलर कम्युनिटी को वहाँ नहीं खेलने देंगे या इसको हम खेलने देंगे इनको नहीं खेलने देंगे बड़ी बुरी बात है तो ऑल इंडिया एंटी टेरिस फ्रंट की तरफ से आ, मैं ये सभी दर्शकों को राष्ट्र समय न्यूज़ के और जो लोग हमको देख रहे हैं इनको मैं एक संदेश दूंगा एक विनती करूंगा और एक रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना करूंगा कि आप लोग ऐसा माहौल हिंदुस्तान का हमारे देश का न, ना ना बनाएं क्योंकि वैसे ही माहौल ख़राब है बड़ी परेशानियां हैं आतंकवाद के खिलाफ हम सब मिल लड़ रहे हैं और इलेक्शंस भी आगे आ गई हैं जो लोकसभा इलेक्शन हैं तो इलेक्शन का माहौल भी है और आतंकवाद का जो 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 सिलसिला चल रहा है मसला चल रहा है जो हिंदुस्तान डट के मुकाबला दे रहा है हम सब मिल के इसमें आप भी शामिल हैं हम मिल मुकाबला दे रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं उनको मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तानियों को हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसको तो मैं ये फिर से निवेदन करता हूँ विनती करता हूँ कि ऐसा माहौल आप हिंदू मुस्लिम आपस में ना बनाएं कि माहौल ख़राब हो सके उल्टा हमने मिल के इस माहौल को और जो वातावरण चल रहा है उसको ठीक करना है अच्छा करना है क्योंकि हमारा जो संस्कार है हमारे हिंदुस्तानियों के बहुत ही ऊंचे हैं बड़े ऊंचे ख्याल के लोग हैं हमारे जो जो है हमारी बड़ी ऊंची है तो उसको कायम रखते हुए उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ऐसा माहौल ना क्रिएट करें कि छोटी सी बात के लिए आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है और मिलजुल के देश के अमन शांति के लिए भाईचारे के लिए और आतंकवाद के जो खिलाफ़ जो लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं उसमें हमने पूरा हाथ बटाना है और डट के मुकाबला करना है कि हमारा देश और ये जो वर्ल्ड पूरा जो दुनिया है आतंकवाद के ये जो जो मसले से आतंकवाद के जुल्म से ये हम लोग सब मुक्त हो सके ये मेरी सबसे विनती है बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम